चैतन्य, 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 चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। इस राख की दीवार की उत्पत्ति और इस राख की दीवार का व्यय साक्षात जड़ का परिणमन है, साक्षात पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल परमाणुओं के परिणमन में एक समय के लिए भी ज्ञान परिणमित नहीं होता, जड़ द्रव्य में तो ज्ञान परिणमित नहीं होता, जड़ भावों में भी ज्ञान परिणमित नहीं होता। यही चैतन्य परमात्मा की महानता है। भले ही यह कहे कि देह में रहकर भी देह रूप नहीं हुआ, रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति होने पर भी विभाव मई नहीं हुआ, परंतु देह के संग में रहा कौन? रागादि विकारी भाव रूप परिणमित हुआ कौन? ज्ञान कभी देह के संग रहा ही नहीं है। जानना जानना कभी जड़ के संग वास नहीं करता। जिसकी सत्ता, जिसका अस्तित्व, जिसका होना अत्यंत स्वतंत्र है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा रागादि भावों की जड़ता में कहीं पर भी नहीं हूं। यह मेरी पहचान ही नहीं कि राग और द्वेष की उत्पत्ति और राग और द्वेष का व्यय
स्वयं में विकृति की स्वीकृति ही अपराध है। मगर ऐसा अपराध अनादि काल से हुआ, फिर भी जो निरपराधी रहा, यह चैतन्य मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। ज्ञान का जानना 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 जिसका उत्पाद और व्यय है, देह का जन्म और देह की मृत्यु मेरा जन्म और मेरी मृत्यु नहीं है। कहते हैं मनुष्य जीवन महापुण्य के उदय से प्राप्त होता है। महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ मानव जीवन जिसका सदुपयोग करो। ये मनुष्य देह का सदुपयोग करो। बहु पुण्य पूंज प्रसंग से नर देह यह मानव देह यह मनुष्य का देह मुझे प्राप्त हुआ, उसका सदुपयोग करूं। मनुष्य देह का जन्म हुआ, मनुष्य देह की मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ वर्षों का जीवन है उसका सदुपयोग करो। मगर परद्रव्य का सदुपयोग मैं कैसे करूं, जिसके साथ ही मेरा नाता नहीं उसका उपयोग मैं कैसे करूं, जिस पर मेरी मालकियत नहीं है उसका सदुपयोग कैसे करूं। पराई की तिजोरी में से धन लेकर के दान देकर के सदुपयोग कैसे करूं। ये शरीर के अनंत परमाणु पर द्रव्य है। इस शरीर के अनंत परमाणुओं का सदुपयोग चैतन्य परमात्मा कैसे करे। जन्म और मरण के बीच में जो जीवन मिला इस जीवन का सदुपयोग हो। मगर ये देह नहीं, ये राख की दीवार नहीं, ये मांस खून हड्डी चमड़ी इन पदार्थों का सदुपयोग नहीं। पड़ोसन का सदुपयोग मैं कैसे करूं, जिसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जिसके साथ मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अपना ही सदुपयोग हो सकता है। जन्म और मरण के बीच में जो है ये जीवन है। ज्ञान की जानने की पर्याय का जो उत्पाद होता है, ज्ञान की जानने की पर्याय का जो व्यय होता है, ज्ञान का जानना ये उत्पाद, उस उत्पाद के बाद एक समय की सत्ता और फिर ज्ञान का व्यय। जिस समय ज्ञान का व्यय हुआ उसी समय ज्ञान की नवी अवस्था का उत्पाद हुआ।
उस अवस्था का एक समय के लिए अस्तित्व रहा। भले ही कहते हैं कि पर्याय में उत्पाद व्यय निरंतर होता है, मगर एक ही समय में जो उत्पाद व्यय होता है वह एक ही पर्याय का नहीं होता। उत्पाद और व्यय का समय एक है, मगर पूर्व की पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद, इसका समय एक है। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, फिर जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई उसकी सत्ता एक समय की है। एक समय बीतते ही इस पर्याय का व्यय और फिर नई पर्याय का उत्पाद, ऐसे ही पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद एक ही समय में होता है। और जिस पर्याय का उत्पाद होता है उस पर्याय का अस्तित्व एक समय के लिए है। ज्ञान का जीवन एक समय का जीवन है। यह जानना 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 एक समय का जीवन है। जो जीवन मिला है उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। यह जो ज्ञान का जानना 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 हो रहा है, एक समय की ज्ञान की पर्याय जो मेरे हाथ में है, जिस पर मेरा अधिकार है, जो वर्तमान में है, जो व्यक्त है, जो प्रकट है, ऐसे एक समय की जानने वाली पर्याय, इस पर्याय के अस्तित्व के काल में, उस एक समय के जीवन में, यह स्वीकार कि यह मैं हूँ, ज्ञान 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 ज्ञान, यही मैं हूं। ज्ञान का जो जीवन प्राप्त हुआ उसे मैं ये स्वीकार, बचपन की अवस्था जो मिली है उसमें ये स्वीकार कि मैं मनुष्य हूं। युवावस्था जो प्राप्त हुई है उसमें ये स्वीकार कि मैं मनुष्य हूं। वृद्धावस्था जो प्राप्त हुई है उसमें ये स्वीकार कि मैं मनुष्य हूं। ज्ञान की अवस्था में भगवान आत्मा का स्वीकार, एक समय की पर्याय में त्रिकाली का स्वीकार, बालक की अवस्था में मनुष्य का स्वीकार। वह मनुष्य बालक के भीतर कहीं से आने वाला नहीं है, वह मनुष्य युवान के भीतर आने वाला नहीं है, वह मनुष्य वृद्ध के भीतर आने वाला नहीं है। सिर्फ बालक, युवान और वृद्ध की अवस्था के काल में, अवस्था को दृष्टि में न लेकर ये स्वीकार कि मैं मनुष्य। ऐसे ही जो जानना एक समय का, ये निर्विकल्प शुद्ध ऐसा जो जानना जानना जानना, जिसको इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, जिसको ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, ऐसा यह जानना जानना जानना, उसमें यह स्वीकार कि यही तो आत्मा है, यह बालक ही तो मनुष्य है, ये युवान ही तो मनुष्य है। मनुष्य तो बालक भी है, वृद्ध भी है, अकेला युवान नहीं है।
मगर युवान में मनुष्य देखा तब ये विकल्प ही नहीं आया कि कौन बालक कौन वृद्ध और कौन युवान, सिर्फ मनुष्य। ये ज्ञान की पर्याय जो जान रही है, मात्र जान रही है, जान रही है, जान रही है, उसमें ही ये स्वीकार कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। परमात्मा को सिकुड़ना नहीं है, यह परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। सागर को तरंग में सिकुड़ नहीं दिया, सिर्फ तरंग से सागर तक पहुंच गया, तरंग में सागर का अनुभव हुआ। एक समय के ज्ञान की पर्याय में जिसका अस्तित्व एक समय का है, जिसका जीवन एक समय का है, ऐसे एक समय की ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का स्वीकार, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। जीवन बहुमूल्य है, मगर यह मांस खून हड्डी वाला नहीं। एक समय का जो जानना यह जीवन, फिर जानना ये जीवन, फिर जानना ये जीवन, फिर जानना ये जीवन, ये एक एक समय का जो जीवन है, ये जीवन, उसमें आत्मा का स्वीकार। और इस ज्ञान की पर्याय ये जो क्षण भंगुर है, ये बहुमूल्य है। एक ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली जानने में आ सकता है। जैसे मनुष्य देह कितना मूल्यवान है कि एक ही भव में पुरुषार्थ किया और मोक्ष गया, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, एक जन्म में केवल ज्ञान पाया, मोक्ष गया। मोक्ष के लिए एक मानव देह पर्याप्त है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव को पहचानने के लिए ज्ञान की एक समय की पर्याय पर्याप्त है। सिर्फ यह स्वीकार कि यही मैं हूं, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यह ज्ञान में यह स्वीकार कि यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन, एक समय का ये मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ कहा, मगर ये दुर्लभता, ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता, मगर ये तो जड़ की दुर्लभता है। यहां तो एक समय की जानने वाली पर्याय, एक भव मनुष्य का गया सो गया, मगर मनुष्य का भव ये मैं नहीं, मनुष्य का भव ये मैं नहीं, ये तो जड़ का परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन है। ज्ञान का एक समय का ये जानना, 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 ये प्रति समय ये जानना, 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 ये जीवन है। यह ज्ञान जीवन है। एक समय के ज्ञान जीवन में त्रिकाली जीवन की अनुभूति, यह चैतन्य की अनुभूति है। उस समय ज्ञेय से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई ज्ञेय से अपेक्षा नहीं। कोई मुझे बुलाना मत,
मैं अपने आत्मस्वरूप में, मैं मेरे आत्मस्वरूप में लीन होता हूँ। एक समय की ज्ञान की पर्याय ये जब स्वीकार करे कि मैं ज्ञायक देव, मैं चैतन्य परमात्मा, तब वह विकल्प से स्वीकार नहीं करती। ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार होगा, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। जब बालक ने यह स्वीकार किया कि मैं मनुष्य हूं, तब चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ स्वीकार होगा। जब तरंग में सागर को देखा तो देखो मैंने तरंग में सागर को देखा, तरंग में प्रतिबिंबित चांद को नहीं देखा, ये कहने की जरूरत न पड़ी। सिर्फ मौन अनुभूति के तरंग में सागर का दर्शन। ज्ञान के जानने की पर्याय में जब भगवान आत्मा जानने में आता है, तब ज्ञेयों से कोई अपेक्षा नहीं है, ज्ञेयों से कुछ लेना नहीं है, तब ज्ञान में मौन अनुभूति होती है। एक समय की ज्ञान की पर्याय की मृत्यु से पहले, एक समय की ज्ञान की पर्याय में आत्मा को जानना, यही मौन होने की विधि है। मौत से पहले मौन। मौत तो बाद में होगी, मौत से पूर्व मौन। एक समय में पर्याय की मृत्यु है, जानना जो हो रहा है वो तो नष्ट होगा, नहीं जानने की पर्याय उत्पन्न होगी। मगर जानना ये नष्ट हो, उससे पहले जो एक समय का जीवन है, उसमें चैतन्य का स्वीकार वाणी से नहीं, भावों से भीकर के हुआ, वही मौन है। मौत से पूर्व मौन, यही एक विधि है, मौत से पूर्व मौन होने की विधि। मनुष्य देह की नहीं, मनुष्य जीवन की नहीं, ये ज्ञान की पर्याय की मृत्यु से पहले चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं, ये स्वीकार। मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये स्वीकार, यही पर्याय की मृत्यु से पहले। ज्ञान की जानना 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 इस प्रवाह में, ज्ञान की मृत्यु से पहले ज्ञान में भगवान आत्मा का स्वीकार। विकल्प की मिलावट न देखी, विकल्प का कोलाहल नहीं देखा, और शांत स्वरूप का अनुभव हुआ। यह शांत स्वरूप की अनुभूति, यही मेरी अनुभूति है। मौत से पूर्व मौन, मौत से पूर्व मौन, मौत से पूर्व मौन।